नमस्कार साथियों, अब है दीपावली का समय। ये बाजार हाट दीपावली के सारे सामान, रंग बिरंगे स्वास्तिक और ये लाइट्स, ये सब बता रही हैं कि अब उत्सव और भी बड़ा होगा। तो सब अपने यथा योग्य स्थिति परिस्थिति के अनुसार इस पर्व का आनंद मनाएंगे। मैं जाऊंगा अपने परिवार के पास, लेकिन यहां पर भी हमको हमारे कुछ साथियों ने गिफ्ट दिया, और ये सब गिफ्ट दिया हमको हमारे सैंडी भाई यानी हमारे कृष्ण कन्हैया ने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। हमारा हर साल का। तो ये है हमारे सैंडी भाई, हमारे दिलदार साथी, हमारे सोसाइटी के हमारे मित्र। और ये देखिए, मतलब एक गिफ्ट मुश्किल होता है और इन्होंने एक साथ तीन तीन गिफ्ट हमको ही नहीं, कम से कम 100-150 लोगों को देते हैं। इनका अपना कॉल सेंटर है, ईश्वर की कृपा से जो कमाते हैं उसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं, मतलब लोगों में बांटते भी हैं। ईश्वर इन्हें और बढ़ा के दे, और देता ही है ऐसे लोगों को। तो ये हमारे सैंडी भाई ने मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें, ये चूँकि हमें जाना था इसलिए उन्होंने औरों से पहले हमारे लिए लिया। और देखिए अब उसकी अनबॉक्सिंग खुद कर रहे हैं कि क्या क्या है उन उपहारों में। ये हमारे तरफ से आपको, ये है हमारे सैंडी भाई, हमारे तरफ से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। और ये अनबॉक्सिंग हो रही है। ओ माय गॉड, दिस इज अ चॉकलेट्स, ऑल क्वालिटी चॉकलेट्स आर देयर, स्पेशल चॉकलेट्स पैक, क्वालिटी चॉकलेट्स, किड विल लाइक दिस वेरी मच। Oh, I think काजू कतली। Oh, super duper। केसर, this is केसर, अंजीर वन। अंजीर वन, sugar free। Oh my god। ये देखिए, ये इन्हें कहते हैं सैंडी भाई, संदीप कोठारी। And now, this is the one। And what is this? जब सब कुछ हो गया, क्या सर ये लीजिए अनबॉक्सिंग। सर के सामने कुछ प्यारी सी चीज़ एक और एक रखी है। ओह माय गॉड, होपफुली सबको पसंद आएगी। ओ और हमारे बच्चों की भाईजान को पसंद आएगी, हमारे लव। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लुक एट इट। Oh my God। तो हमारे जैसे सुदामा को इनके जैसा कृष्ण मिला। ये आप कल गांव जा रहे थे, स्पेशली हमने आपके लिए आज मंगाया है। Oh my God, भाई का सब पेंडिंग है। और नीलकंठ भाई का हम पहुंचाएंगे ऐसे कम से कम 250 पैकेट रेडी हो चुके हैं, क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ गांव, इसलिए ये मेरे को पहले आ गया। अरे माय गॉड, कहाँ से भरेंगे। ईश्वर ऐसे कृष्ण कन्हैया सभी को दें। हम उपहार के बदले प्रति उपहार ना दे पाए तो कम से कम शुभकामनाएं तो दे सकते हैं। तो देखिए, एक मिठाई का पैकेट उन्होंने खोला, हम सब ने उसको चखा, और वो हमारे लिए फ्रेश दूसरा मिठाई का पैकेट ले आए। ये हमारा बैक पैक है, हमने यात्रा की कानपुर लखनऊ की, हमें लखनऊ जाना था अपने सिस्टर के यहाँ, फिर कानपुर माता पिताजी के पास। यात्रा बड़ी कठिन रही, लेकिन जब हमने कानपुर पार किया, और ये देखिए गंगा नदी, सुबह सुबह यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा पड़ रही थी महाराष्ट्र की अपेक्षा, मुंबई की अपेक्षा, तो आपको ये फॉग, ये जो धुंध दिखाई दे रही है, ये गंगा नदी, इसी के किनारे पले बढ़े हैं, ये देखकर आनंद आ गया। और ये रहा लखनऊ का हाट बाजार। यहाँ पर जो मिट्टी के खिलौने, ये गणेश लक्ष्मी की बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे खेल खिलौने और बर्तन और मिट्टी के सामान, इन्हीं खिलौनों के साथ मुझे दिखा जो पारंपरिक रूप से कच्ची मिट्टी के दिए होते हैं। ये देखिए, इन कच्ची मिट्टी के दियों में काजल पारा जाता है। माना जाता है कि दिवाली के अवसर पे में जो स्त्रियां होती हैं वो काजल बनाती हैं, जो नेत्र ज्योति के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए, ये सब बर्तन जो आपको दिख रहे हैं ये सब मिट्टी के हैं, बहुत ही अद्भुत। इसे देख के मेरी बहन ने कहा कि भाई हम इसे लेंगे, तो कल उसकी शॉपिंग करेंगे। ये मेट्रो,
मेट्रो की हमने यात्रा की और फिर हम पहुंचे अपने गंतव्य पे जहां पर लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये हमारा भांजा और मिस्टर ओ सिस्टर ने अभी अभी गाड़ी चलाना। चलिए मिलते हैं इनसे। वेलकम होम, वेलकम होम, वेलकम होम। और ये देखिए, ये रही वैष्णवी और वो रही वैष्णवी की मम्मी टेंशन में गाड़ी के साथ। साथ में थे हमारे अनुज, हमारे चचेरे छोटे भाई, और ये सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तो यहाँ पे मामा गाड़ी चला रहे हैं और पीछे सब लोग बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में मामा भी गाड़ी चलाएंगे। अब हमारी बहन जी गाड़ी चलाएंगी और ये गाड़ी चल गई। पार्किंग लाइट ऑफ कर दो। तो आज संध्या जी के साथ हम लोग, और ये संध्या जी का गाड़ी चलाते हुए पहला वीडियो। साथ में है इनके सुपुत्र ओम त्रिपाठी, सुपुत्री वैष्णवी त्रिपाठी एंड भाई। और बहन जी मुस्कुरा नहीं रही है, बहुत सीरियस है। अरे ये तो मुस्कुरा रही है। खरीदा तो बहुत अच्छा लगे। किसके लिए? पापा के लिए। डैडा को माय डैडा, क्योंकि कल उनका बर्थडे है।